click on that red subscribe button and also press the bell icon for my latest videos. Welcome back to my channel. I am Khushi and I am back with a new video. So, मैंने recently Instagram पे post डाली थी कि choose between one smoky eyes look और eyeliner application. तो most of you choose smoky eye look. Video दोनों आएंगी, but क्या होगा, कोई पहले आ जाएगी, कोई बाद में आ जाएगी. तो मैं सबसे पहले अपनी eyes conceal कर रही हूँ with this stick primer. Primer or concealer stick. मैं इसे blend कर लूँगी. तो मेरा concealer अच्छे से blend हो गया है. अब मैं इसे पाउडर के साथ फिक्स कर लूंगी. मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास लूज पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो मैं नॉर्मल लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ. तो मेरी आईज अच्छे से कंसील हो गई हैं. मैंने इसे इसलिए किया था कि मेरा जो भी ब्लैक शेडो है वो अच्छे से हाईलाइट हो, ऐसा ना लगे कि मैं जब फाउंडेशन लगाऊ तो मेरी आईज की स्किन मेरे फेस से अलग लग रही है. तो मैंने इसलिए आईज को थोड़ा सा कंसील कर लिया. मैंने ज़्यादा फुल कवरेज वाला कंसीलर यूज नहीं किया है. ये बहुत ही चीप रेट का है, ये कलर स्क्वीन का है. मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, पर आई मेक श्योर कि नेक्स्ट मैं जब भी जो भी प्रोडक्ट लूँ उसका प्राइस आपको बता दूँ जो आप अफोर्ड कर सकते हो. मैं भी अभी कम रेट के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ क्योंकि अब इतना बजट नहीं है. तो मैं आपको भी बताती रहूँगी, जैसे मैंने अपनी पैलेट का बताया था अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो पैलेट बहुत अच्छी निकली. तो कभी भी चेक करना हो तो प्रोडक्ट को अच्छे से देखकर चेक किया करो. सो नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लैक काजल. मैं ब्लैक काजल की एप्लीकेशन करूँगी मेरी अपर लैश लाइन पे और लोअर लैश लाइन पे क्योंकि मेरे को स्मोकअप इफेक्ट देना है. तो आप ये जेल लाइनर के साथ भी कर सकते हो. मैं काजल के साथ कर रही हूँ क्योंकि सबके पास जेल लाइनर नहीं होता, वो पेंसिल वाले होते हैं या लिक्विड होते हैं, सबको नहीं पता होता जेल लाइनर. तो मैं काजल से एप्लीकेशन करूँगी. तो सबसे पहले मैं अपनी अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पे काजल की एप्लीकेशन करूँगी. जैसे हम बोल्ड लाइनर लगाते हैं वैसे मैं इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर की एप्लीकेशन करूंगी. देन ऑन लोअर लैश लाइन मैंने अपनी एक आई पे करी तो कुछ ऐसा दिख रहा है. मैं अपनी सेकंड आई पे भी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे स्मज करूंगी शेडोज की हेल्प से. दोनों आईज पे एप्लीकेशन कर लिया, अब मैं इसे स्मज करूंगी. अगर आपके पास एक शेडो ब्रश है तो उससे भी बहुत अच्छे से. इस वाले स्मोकी आई लुक में आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है. अगर आप बेस भी बना रहे हो तो आप एक नॉर्मल सीसी क्रीम भी लगा लोगे तो आपका फेस अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि हमने ब्लैक आई मेकअप किया है. यहाँ वेगा का ब्रश यूज कर रही हूँ, ये शेडो एप्लीकेशन ब्रश है. ये थोड़ा सा इसकी ब्रिसल जैसी छोटी है तो मैं इसे स्मज करूंगी. जैसे जैसे हम ब्लेंड करेंगे मैं बड़ा ब्रश यूज करूंगी, बट आप एक ही शेडो ब्रश से अच्छे से कर सकते हो ये आईज मेकअप क्योंकि इस आईज मेकअप की यही खास बात है, आपको लाइनर भी नहीं लगाना पड़ेगा. आपकी आईज बहुत अच्छी लगेंगी. Thank you.
अगर आपकी आईज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप अच्छी सी काजल यूज करना, क्योंकि अगर आपकी काजल बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आपकी आईज पे जलन होने लग जाएगी स्मज करते टाइम। और ब्रश मेक श्योर कि अगर आप एक भी ब्रश ले रहे हो तो वो एक ब्रश भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि चीप रेट में अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस नहीं मिलते, मिलते हैं, बट आपको उनको चेक करना आना चाहिए। तो मैं इसे अपनी हाफ लिप तक स्मज करूंगी, उसके बाद मैं शेडो के साथ करूंगी इसे। के पास काजल पेंसिल भी नहीं है, अगर खाली शेडो है तो आप इसे खाली ब्लैक शेडो के साथ, ब्लू शेडो के साथ या डार्क ब्राउन शेडो शेड्स को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ अपनी पुरानी SFR की कलर पैलेट यूज कर रही हूँ, शेडो पैलेट। ये भी मुझे काफी अच्छे रेट पे मिल गई थी, मैंने लोकल मार्केट से ली थी, आप भी ले सकते हो, इसके पिगमेंट भी अच्छे हैं। तो मैं ब्लैक शेड यूज करूंगी। इससे क्या होगा, मेरा जो नीचे काजल जो मैंने अप्लाई किया है वो भी पैक हो जाएगा, वो शेडो की हेल्प से सिक्योर हो जाएगा, वो मतलब मेरे आईज पे से स्मज नहीं होगा। वैसे वो वाटरप्रूफ है क्योंकि काजल स्मज कर जाते हैं। तो एक ही ट्रिक भी है कि आप अपने काजल के ऊपर ऐसे ब्लैक शेडो या जिस कलर का भी आप काजल यूज कर रहे हो ब्लैक शेडो अप्लाई कर लो उसके ऊपर ऐसे डैब डैब करके, उससे क्या होगा वो पैक हो जाएगा। आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्राउन शेड, ये बहुत ही प्यारा ब्राउन है और मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी तो बहुत नेचुरल सा बहुत प्यारा सा लुक देगा मेरी क्रीज लाइन को। तो मैंने, आपने देखा होगा, मैंने काजल को ब्लेंड करते करते अपनी हाफ लिड तक लेके आई थी, देन मैं अब शेडो की हेल्प से मैंने उसकी पूरी लिड कवर कर दी क्रीज तक। अब मेरी जो क्रीज लाइन है उस पे मैं ये ब्राउन शेड यूज करूंगी नीचे वाले शेडो को ब्लेंड करते हुए। अगर किसी की हुडेड आईज है तो वो थोड़ा ध्यान से करना ये वाला स्मोकी आईज, क्योंकि कईयों की आईज बिल्कुल भी शो नहीं होती और बेसिकली स्मोकी आईज थोड़ा सा आई को कंट्रोल कर देता है। हमारी आईज जो नेचुरल होती है वो थोड़ी सी और कम दिखने लग जाती है। अब मैं सेम ब्राउन शेडो की हेल्प से अपनी नीचे वाली लैश लाइन पर भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूंगी। तो अब मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और लाइट ब्राउन शेड यूज करूंगी अपनी क्रीज के ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छी लुक आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप एक शेडो से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं भी शेड को अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब मैं पाउडर के साथ अपने बेस को फिक्स कर लेती हूँ। मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, वही जो मैंने अपनी आईज पे सेम वही लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, वो भी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस की वीडियो एक अलग बना दूंगी, क्योंकि अभी मेरे को इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, ये मैंने पहले से ले रखा था। तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ, ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा इजी हो जाता है लगाना।
एंड ब्लशर। नाउ आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरे पास ऐसे कोई पैलेट नहीं है, बट जो मैंने एट्रियो पैलेट दिखाई थी आपको, मैं उसमें से जो मेरा सबसे फर्स्ट शेड है, थोड़ा सा वाइट पर्ल सा कलर का है और बहुत ही प्यारी हाइलाइटिंग करेगा। तो मैं इसे फिंगर की हेल्प से अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। तो गाइज, आपको इसकी शाइन दिख रही होगी, इसकी शाइन बहुत प्यारी है। और अभी मैंने सिर्फ हल्का सा लिया फिंगर पे और ये बहुत प्यारी शाइन दे रहा है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत ही प्यारी हाइलाइटिंग भी कर रहा है। सो गाइज, अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ मैट मी की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसका शेड है 417 ट्री ऑयल और ये कलर बहुत ही प्यारा है। मैंने इसे अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया है और ये मेरा फेवरेट कलर है मेरी लिपस्टिक के शेड्स में से। तो क्योंकि मैं ये थोड़ा सा न्यूड भी है और ब्राउनिश कलर भी है और मुझे ब्राउन एंड ब्लैक वाइट ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक बार इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर भी हाईलाइट कर लेती हूँ। उसी सेम हाइलाइटर से कर रही हूँ मैं हाइलाइट।